हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे डिजाइनर स्लीव्स बनाना, जिसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़े को चार फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले लंबाई देखेंगे। जैसे कि हम 15 की तैयार करेंगे तो 16 इंच लेंगे। और फ्रेंड देखिए, जैसे कि हम इसमें 1.5 इंच की अलग से एक डिजाइन बनाएंगे, तो आप 1.5 इंच अपनी बाजू को थोड़ा सा कम करके लें, लेकिन मार्जिन वगैरह लगा के मैं 8.5 इंच ले रही हूँ यहाँ से। अब यहाँ 8.5 इंच लेने के बाद इस तरीके से खुली वाली साइड से 3 इंच पे गोलाई देके और निशान लगा देंगे। जैसे नॉर्मल बाजू की तरह ही कटिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी आपको जैसे 1.5 इंच का डिज़ाइन बनाना है, तो आप इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम कर लें। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी और ये दोनों बाजू एक साथ कट के तैयार हो जाएंगी। और ये काफ़ी अच्छी स्लीव्स लगती है बनने के बाद में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब इसको बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। और इस बाजू को आप अपनी ब्लाउज़ में भी बना सकती हैं और इसे अपनी कुर्ती में भी, मतलब किसी में भी गाउन वगैरह में भी बना सकती हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो हमारे पास ये 4 पीस आ गए हैं, तो हम 2 को उठा लेंगे और एक बाजू आपको अच्छे से बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे। तो ये हमारी बाजू है। अब हम पट्टी को लेने के बाद, इस पट्टी की जो चौड़ाई आपको लेनी है वो हमने 4 इंच ली है। हमें 2 इंच की पट्टी तैयार चाहिए। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और उल्टी साइड से सिलाई लगा रही हैं और फिर सीधी साइड को पलट देंगे, जैसे हम पतली वाली डोरी बनाते हैं उस तरीके से आपको इसे बनाना है। अभी मैंने इसको बना लिया है। अब हल्का सा सिलाई को ऐसे खींच देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे, मतलब किसी भी पेचकस वगैरह की हेल्प से। अब इस तरीके से इसको सीधा करके और फिर इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस कैसे करना है आपको, कि जो इस सिलाई है ये बिल्कुल सेंटर में, बीच में आनी चाहिए, ताकि डिज़ाइन ऊपर से फिनिशिंग के साथ बने। अब मैंने इसके ऊपर प्रेस कर ली है। अब मैं 2.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लूँगी। अगर आपको डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 3 इंच की भी कट कर सकती हो, और अगर आप छोटा बनाना चाहती हैं तो आप 2 से 2.5 इंच की। ये छोटे से छोटे डिज़ाइन में बनता है और बड़े से बड़े डिज़ाइन में। तो मैं 2.5 इंच की सारी पट्टियाँ कट कर लूँगी। मुझे लगभग इसमें 7 पट्टियाँ लगेंगी। अब हम बाजू को रख लेंगे सीधा करके और इस पट्टी को रख लेंगे उल्टा करके। ऊपर से लगभग मैं 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ से हमारा बाजू उसमें ज्वाइंट होगा। और मैं 1/2 इंच का गैप देके इन पट्टियों को लगा रही हूँ, ये देखिए। और ध्यान रखें, जो मैंने सेंटर में मतलब प्रेस की है, जो सिलाई है वो हमारी उल्टी साइड को आएगी। ध्यान रखें, जब हम इस बाजू को, इसको पट्टी को पलटेंगे तो ये हमारी सीधी साइड को आ जाएगी। तो पट्टी को मैंने उल्टा करके रख लिया है। और नीचे से भी मैं लगभग 1/2 इंच कपड़ा ही छोड़ दूंगी। तो ये मैंने लगभग 7 पट्टियाँ इसमें लगा दी हैं। अभी हम एक सीधी पट्टी लेके इसको फिनिशिंग देंगे। तो मैंने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब इस पट्टी को मैं इस तरीके से लगाऊंगी और लगाने के बाद एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके अलग कर देंगे। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इसको इस तरीके से मोड़ के और अंदर ही कर देंगे पूरा फिनिशिंग के साथ, जो धागे वगैरह हैं पूरे अंदर ही अंडरग्राउंड हो जाएं। और ध्यान रखें, जो ये पट्टियाँ हैं इनको बाहर की तरफ निकाल दें, ऐसा ना हो कि सिलाई में दब जाएंगे। तो इनको बाहर की तरफ निकाल के तब आप ये सिलाई लगाएं। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, आपको सिर्फ एक ही पार्ट में लगानी है ये पट्टियाँ, दोनों पार्ट में नहीं लगानी है। दूसरा पार्ट इसी में अटैच होगा, कहीं आप कन्फ्यूज हो कि दूसरे में भी लगानी होगी। ये कपड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा है, सॉफ्ट है बहुत, तो इसको थोड़ा खींचना पड़ रहा है सिलाई को बार बार की। तो मैं ऊपर से भी सेम इतना ही छोड़ूंगी जितना मैंने इस बाजू में छोड़ा है, 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और बस ऐसे रख के पट्टी इसको बाजू को और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखें कि जो इसका डिस्टेंस है वो एकदम बराबर होना चाहिए। और बाजू को मैंने उल्टा करके रखा है, सीधी साइड अंदर की साइड है। अब बस ऐसे पूरे में लगा दूंगी और लगाने के बाद फिर इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी साइड से पट्टी जुड़ गई है। अब हम इसको भी ऐसे ही फिनिशिंग देंगे, पट्टी रख के, और जैसे हमने अभी दूसरी साइड से किया था सेम ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको भी हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे और फिर इसको भी हम मोड़ देंगे इस तरीके से। तो देखिए, मैंने इसको भी ऐसे मोड़ लेना है और फिर जो इसमें डिज़ाइन बनेगा पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो नीचे की फिनिशिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये लगा ली है। अब सुई में धागा डाल के और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से आपको ऐसे सुई को निकालना है और ऐसे फूल, जैसे हम बो बनाते हैं ना किसी भी फ्रॉक वगैरह में। और एक छोटा सा बीट्स लिया है मैंने, यानी मोती लिया है। अब उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के आएगा, और ये पहनने के बाद में बड़ा ही इसका सुंदर सा लुक आता है।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा डिज़ाइन। अब मैं आपको एक और बताती हूँ। तो देखिए, एक में बन गया, अब हम दूसरे में भी सेम ऐसे ही करेंगे। बीच सेंटर से निकालना है सुई को और ऐसे छोटे छोटे टाँके लगा के और ऐसे खींच देना है और एक दो बार और टाइट करके इसको बस ये मोती लगा देना है। तो इसी तरीके से सभी डिज़ाइनों को हम बना के कंप्लीट करेंगे और जो दूसरी बाजू है उसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे। तो आपकी बाजू बन के तैयार हो जाएंगी और आप फिर उसे किसी में भी लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब एक इंच चौड़ी पट्टी लेके और पट्टी को सीधी साइड को रखेंगे हम। देखिए बिल्कुल जो हमने अभी यहाँ से पूरा फिनिशिंग दी है वहाँ से अब एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और फिर उसके बाद इसको हम मोड़ेंगे। तो मोड़ने का तरीका आपको देखना है कैसे मोड़ना है। पहले हम इसको आधा इंच मोड़ेंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा मतलब इसका किनारी वाला पार्ट, मतलब जैसे पाइपिंग लगाते हैं ना उस टाइप से दिखना चाहिए बाहर की तरफ। अंदर नहीं मोड़ेंगे हम पूरी पट्टी को, थोड़ा सा इसे लुक देंगे बाहर की साइड को और इसको एकदम सिंपल सा लुक ही रखेंगे हम इसका। कुछ भी इसमें लेस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने बीड्स का यूज़ किया है। तो हमारी जो बाजू है वो बनके एकदम कंप्लीट है। इस पर प्रेस कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगे बाजू तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दूसरी को भी ऐसे ही बना लेंगे। तो हमारी बाजू बनके एकदम रेडी है। आप इसे कुर्ती में लगाएं चाहे ब्लाउज में, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। इसका फाइनल फोटो मैं आपको कुर्ती के साथ ज़रूर